राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने कॉलेज स्टाफ सदस्यों सहित अन्य को मतदान करने की शपथ ग्रहण करवाई। अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए देश के मतदाता अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए लोगों को 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को लेकर भी कार्य करना चाहिए। साथ ही में उनका कहना है कि मतदान करना हर मतदाता का अधिकार है, लेकिन इसका सही प्रयोग करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाए। देखें, आज जो है हमारा 25 जनवरी 2020 को 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, और इस बार की जो थीम है वो इलेक्टोरल लिटरेसी से संबंधित है, जिससे जो भारत के जो मतदाता हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस की सही जानकारी प्राप्त करें और इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उसमें सहभागिता अपनी निभाएं। आज का जो दिवस है यह हमारे कर्तव्य की ओर हमें ध्यान दिलाता है कि हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जैसे वोट करना एक हमारा अधिकार तो है ही है, परंतु उस वोट को सही ढंग से बिना धर्म वर्ग जाति के हम उसे एक्सरसाइज करें अपने वोट को, वो हमारा कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य के मान का बोध कराने के लिए हम आज का दिवस मनाते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।